पटोरिया। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल जारी हो गए हैं। ये परीक्षाएं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल संचालित करता है और शैक्षणिक सत्र 2020 में ये परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। कक्षा 10वीं यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च से, जबकि 12वीं यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा 2 मार्च 2020 से शुरू होगी। और आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, जिनकी तारीख यानी कि टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 10वीं की 3 मार्च से और 12वीं की हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं वो 2 मार्च 2020 से शुरू होंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्या राजपूत। सत्या, जिस तरीके से देखा जाए जो बच्चों के बोर्ड एग्जाम की जो तारीख है यानी कि जो टाइम टेबल है उसकी डेट जारी कर दी गई है, कितना बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है 10वीं और 12वीं का? जी देखिए, हर साल ये मार्च में ही परीक्षा होता है 10वीं और 12वीं बोर्ड का, हालांकि कुछ दिनों का अंतर जरूर होता है, लेकिन अभी हम कोर्स की बात करें तो फिलहाल अभी चुनाव के कारण कोर्स कंप्लीट अभी लगभग नहीं हो पाया है, लेकिन शिक्षकों के लिए चुनौती है कि वो कब तक पूर्ण कर पाते हैं कि नहीं। हालांकि एक्स्ट्रा क्लास का दौर जारी है और इस बीच में छात्र भी परेशान है। और 10वीं 12वीं बोर्ड का जो है अपना टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, 3 तारीख को 10वीं का परीक्षा है और 2 मार्च को 12वीं का परीक्षा है। और इस वक्त हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, बोर्ड के परीक्षा का समय सारणी जारी कर दिया गया है, क्या है पूरा शेड्यूल? जी, प्रत्येक वर्ष मार्च में ही बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और इस वर्ष भी मार्च में परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं। पिछले वर्ष 1 मार्च से परीक्षाएं शुरू की गई थी और इस वर्ष 2 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है, क्योंकि 1 मार्च को रविवार के कारण छुट्टी है। 2 मार्च से 12वीं की परीक्षा शुरू होंगी जो 31 मार्च तक चलेंगी और 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी और 26 मार्च तक चलेंगी। इसी के साथ साथ हायर सेकेंडरी व्यावसायिक का पाठ्यक्रम परीक्षा परिणाम परीक्षा तिथि अभी घोषित की गई है, जो अपने 3 तारीख से प्रारंभ होकर के 26 तारीख तक चलेंगे। और शारीरिक शिक्षा की समय सारणी भी घोषित की गई है, वो भी 3 तारीख से प्रारंभ होकर 26 तारीख तक चलेंगी। इसमें समय सारणी बनाते समय हमने ध्यान रखा है कि होली भी पड़ रही है तो होली के एक दिन पहले एक दिन पश्चात हमने परीक्षाएं नहीं रखी हैं। संडे की छुट्टियाँ सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए उसको भी छोड़ दिया गया है, उसके साथ साथ जो ऐच्छिक अवकाश हैं उनमें भी हमने कोई परीक्षाएं नहीं रखी हैं। इस प्रकार परीक्षाओं की तिथि को एडजस्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न हो पाए। लगातार प्रदेश में चुनाव का दौर रहा है, विधानसभा है, नगरीय निकाय चुनाव, उपचुनाव, तो इस दौरान कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है प्रभावित हुई है, तो कितने दिनों का उनको गैप मिला है, छुट्टियां हैं बीच बीच में? ये देखिए, क्या है कि जितने भी कार्य इस तरह के होते हैं वो सब शिक्षकों करने होते हैं और स्कूल शिक्षा विभाग से इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसको समय में पूर्ण किया जाए। और इसीलिए इस बार जो आदिवासी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी 80% पाठ्यक्रम दिया जा रहा है और जो 20% बचा हुआ पाठ्यक्रम है वो जनवरी में और फरवरी में, जो 15 फरवरी तक कम्प्लीट हो जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव अभी जारी है, शिक्षकों का भी वहां पे ड्यूटी लगाई जाएगी, तो इस दौरान आपको तैयारी करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, प्रश्न पत्र हमारे पूरे तैयार हो चुके हैं और तैयार होने के बाद में प्रश्न पत्र के मॉडरेशन भी हो गए हैं। अब हमें सिर्फ उसकी प्रिंटिंग करवाना है, इसलिए जो शिक्षकों का कार्य हमारे यहाँ होना था वो पूर्ण किया जा चुका है। सेंटरों की बात करें कि यह सबसे बड़ी चुनौती है सेंटर को करना, अभी चुनाव की प्रक्रिया जारी है? नहीं, सेंटर्स भी लगभग हमारे फाइनल हो गए हैं, बस नेक्स्ट वीक सेंटर भी हम जारी कर देंगे। सभी हमारे पास में सभी जगह सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से लिस्ट आ चुकी है, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर मंथन किया जा रहा है और नेक्स्ट वीक हम सेंटर फाइनल कर देंगे।
और इसमें तैयारी की बात करें, जैसे कि उड़न दस्ता तैयार करना और कई सारी टीम आप लोग गठित करते हैं, इसके लिए क्या कदम उठा लिए माशिम ने? ये तो देखिए, जो परीक्षाएं हमारी शुरू होती हैं उसके 20 दिन पहले 25 दिन पहले हम इस सबके निर्देश जारी करते हैं। इसमें जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे मंडल सदस्य, इन सभी की टीम तैयार की जाती है जो परीक्षाओं में निरीक्षण कार्य करती है। जी, तो सीधी सी बात यह है कि मार्च में है, अभी जो पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, तो ऐसे में बीच में जो छुट्टी दी गई है, इसके लिए शिक्षा विभाग से और मासिम के बीच क्या कुछ चर्चा हुई थी टाइम टेबल जारी करने से पहले? नहीं, इसमें क्या है कि जो कठिन पेपर होते हैं उस पेपर में गैप दिया गया है बच्चों को, ताकि वो कठिन पेपर की अच्छी तैयारी करके परीक्षा दे सकें। परीक्षा की शुरुआत सरल पेपर से की जा रही है, हिंदी सरल पेपर माना जाता है, हिंदी से परीक्षा की शुरुआत की जा रही है, और जो गणित जैसा कठिन विषय है उसमें काफी गैप दिया गया है, तो इससे बच्चे अच्छी तैयारी करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। और पहला पेपर सरल होने से उनके ऊपर जो परीक्षा का एक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, तो अभी आपने मार्शल तरीके से देखा जाए, वीके गोयल जी को आपने सुना कि लगातार अभी जैसे कि आपने खुद कहा उपचुनाव हुए, उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए जनवरी और फरवरी में सर्दियों की छुट्टियां भी हो जाती हैं, और ऐसे में एक बच्चों के पढ़ाने का जो समय है या कोर्स पूरा कराने का समय है वो बहुत कम बचता है, तो ऐसे में इस कोर्स को पूरा कराने के लिए क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी या फिर कोर्स पूरा कराने के लिए कोई रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल, अभी हमने यही सवाल किया है कि क्या शिक्षा विभाग और मासिम के बीच में ये चर्चा हुई है कि नहीं, तो उन्होंने कहा है कि इनके दोनों विभाग के बीच में चर्चा होने के बाद टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया गया। हालांकि चुनाव से और अभी शीतकालीन छुट्टी, कई तरह की छुट्टियां पड़ेगी जिसकी वजह से पढ़ाई तो प्रभावित होगा, लेकिन शिक्षा विभाग जरूर यहाँ एक्स्ट्रा क्लास की बात तो कही है और एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्या।